एक्साइज पॉलिसी मामले दे विच बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार दी घेराबंदीकरण दे विच जुटी हुई है। शनिवार नूं वी बीजेपी सड़कां ते नित्री अते दिल्ली सरकार दे खिलाफ प्रदर्शन कीता। बीजेपी ने केजरीवाल दे सरकार डगाउण दे इल्जामां नूं बेबुनियाद करार दित्ता अते अरविंद केजरीवाल तों इन्हां इल्जामां दे सबूत मंगे ने। दस दिए कि आम आदमी पार्टी दे चार विधायकां ने इल्जाम लगाया सी कि बीजेपी ने उन्हां नूं पार्टी छड्डण दे लई 20 करोड़ रुपए दा ऑफर दित्ता सी, जिस तों बाद केजरीवाल लगातार बीजेपी ते सरकार डगाउण दीआं कोशिशां दे इल्जाम लगा रही है। पर बीजेपी ने केजरीवाल दे इन्हां इल्जामां नूं बेबुनियाद दस्सिआ अते दिल्ली दी जनता नूं गुमराह करन दे इल्जाम लगाए ने। देखिए, वो बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो तरह तरह के ड्रामे करते हैं। पहले कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, इसलिए ये शराब नीति के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, इसलिए ये कह रहे हैं। अभी इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया है कि हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। क्या कोई उन्होंने आज तक सबूत दिखाया है? और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बीजेपी के नेताओं के ऊपर इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए थे। नितिन गडकरी जी के ऊपर उनसे जाकर लिखित में माफ़ी मांगी है, पैरों में पड़कर माफ़ी मांगी है। स्वर्गीय अरुण जेटली से भी माफ़ी मांग चुके हैं। तो ये इनकी पुरानी आदत है कि जनता को गुमराह किया जाए। अब जनता जवाब जानना चाहती है। विधानसभा में विश्वास मत लाने से कोई मतलब नहीं है, जनता का विश्वास आपके प्रति समाप्त हो गया है।